महान ओपेनहाइमर के बारे में कम ज्ञात और अनसुने तथ्य। एक, कविता में प्रारंभिक रुचि। ओपेनहाइमर को साहित्य और कविता में आजीवन रुचि थी, जिसे उन्होंने कम उम्र में ही खोज लिया था। अपने भाषणों और लेखों में उन्होंने अक्सर कविता को उद्धृत और संदर्भित किया, जो उनकी वैज्ञानिक गतिविधियों के साथ साथ कला के प्रति उनकी सराहना को प्रदर्शित करता है। दो, भाषाई दक्षता। अंग्रेजी के अलावा ओपेनहाइमर फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत सहित कई अन्य भाषाओं में पारंगत थे। उनके भाषा कौशल ने उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ संचार में सहायता की। तीन, डेविड बोहम से दोस्ती। ओपेनहाइमर भौतिक विज्ञानी डेविड बोहम के करीबी थे। उन्होंने कई वैज्ञानिक परियोजनाओं पर एक साथ काम किया और दर्शन और वास्तविकता की प्रकृति के प्रति जुनून साझा किया। बोहम के कम्युनिस्ट सहानुभूति के अप्रमाणित संदेह के कारण ओपेनहाइमर का सुरक्षा मंजूरी विवाद और बढ़ गया था। चार, पूर्वी दर्शन में रुचि। ओपेनहाइमर पूर्वी दर्शन, विशेषकर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से आकर्षित थे। वह अक्सर भगवद गीता सहित हिंदू धर्म ग्रंथों को उद्धृत करते थे और उनकी दार्शनिक शिक्षाओं से प्रेरित थे। पांच, कथित जासूसी। ऐसी अफवाहें और आरोप थे कि ओपेनहाइमर एक सोवियत जासूस था या अपनी युवावस्था में कम्युनिस्ट सहानुभूति रखता था। इस तथ्य के बावजूद कि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, सुरक्षा मंजूरी सुनवाई के दौरान उनका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया था। छह, रॉकी माजियानो कनेक्शन। ओपेनहाइमर की दोस्ती दिग्गज मुक्केबाज रॉकी माजियानो से थी। ओपेनहाइमर ने 1952 में माजियानो के लिए पहले हाइड्रोजन बम परीक्षण के एक विशेष प्रदर्शन की व्यवस्था की। दोनों के बीच एक अप्रत्याशित दोस्ती हुई जिसने विज्ञान और खेल के बीच की दूरी को पाट दिया। सात, अमेरिकन साउथवेस्ट के प्रति प्रेम। ओपेनहाइमर को अमेरिकन साउथवेस्ट से गहरा लगाव था, जो लॉस अलामोस प्रयोगशाला का घर था। अपने खाली समय में उन्होंने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और परिदृश्यों की खोज का आनंद लिया। आठ, नागरिक अधिकार अधिवक्ता। सरकारी जांच के अधीन होने के बावजूद ओपेनहाइमर ने सक्रिय रूप से नागरिक अधिकारों के मुद्दों का समर्थन किया। वो मैककार्थीवाद का मुकाबला करने के प्रयासों में शामिल थे और नस्लीय भेदभाव से लड़े थे। नौ, इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित। अपने पूरे जीवन में ओपेनहाइमर आत्म संदेह और इम्पोस्टर सिंड्रोम की भावनाओं से जूझते रहे। अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद उन्हें बार बार महसूस होता था कि वे उस मान्यता के लायक नहीं हैं जो उन्हें मिली है। 10. 1960 के दशक में अध्यापन। ओपेनहाइमर ने 1960 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में कुछ समय के लिए पढ़ाया। उनके व्याख्यान उनकी गहराई और बौद्धिक कठोरता के लिए जाने जाते थे और एक शिक्षक के रूप में उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन के ये कम ज्ञात पहलू वैज्ञानिक प्रतिभा के पीछे के व्यक्ति और उन्हें घेरने वाले ऐतिहासिक विवादों पर प्रकाश डालते हैं।